जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जवान हंस राज गुर्जर सहित सेना के अन्य जवानों को रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों ने कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर तैयब खान के नेतृत्व में डॉक्टरों ने शहीद स्मारक पर कैंडल जलाई और पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन भी रखा। इस दौरान एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विशाल कौशिक ने कहा कि सरकार शहीद जवानों के परिवारों को आर्थिक सहायता का पैकेज निर्धारित समय पर दे, जिससे संकट के समय में जल्द उनकी मदद की जा सके। ना चाहते हैं कि ये जो शहीद हुए हैं, इनको जो भी सुविधाएं सरकार देने वाली है या जो भी मुआवजा इनको मिलने वाला है, जो भी इनके लिए काम करने वाले है सरकार, इसमें ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करें। ये जल्दी से जल्दी सुविधाएँ इनको मिले, क्योंकि क्या होता है कि करीब कई बार 2 से 3 साल लग जाते हैं इनको सुविधा होने में। इस बीच का जो टाइम होता है ये बहुत कष्टदायक होता है इन परिवारों के लिए। तो मेरी सरकार से अपील है कि इनकी जो भी चीज़ें हैं इनको जो सरकार देने वाली है या जो भी इनकी मदद करने वाली है सरकार, उसमें समय व्यर्थ ना करते हुए उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। दूसरा, मैं समाज से अपील करना चाहता हूँ कि आज जब हम घर में सो रहे हैं चैन की नींद, हम इनकी बदौलत सो रहे हैं। ये अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, अपना परिवार पीछे छोड़ जाते हैं। तो समाज के संगठनों से, बाकी चीज़ें जो भी सरकार की मशीनरी है, संगठन है और जो समाज सेवक हैं, हम सब की ये ड्यूटी बनती है कि हम इनके पीछे से इनके परिवार की रक्षा करें। इनके पीछे जो इनके लोग आश्रित हैं, इनको ही मदद करें, क्योंकि ये सारा समय हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर निकाल देते हैं। फिर से मैं ये कहूँगा कि हम आज जो सो रहे हैं, बैठे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो सब इन्हीं की बदौलत ही है। तो सरकार को और अपने बाकी सब सामाजिक संगठनों को और जितने भी एनजीओज हों, इनको ये करना है कि इनके भी पीछे से इनकी घर की रक्षा अपन लोग करें। इस दौरान ऑल इंडिया मेडिकल अलवर एसोसिएशन से जुड़े अनेकों डॉक्टर्स मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर जे सोलंकी, डॉक्टर एस सी मित्तल, डॉक्टर विशाल कौशिक, डॉक्टर चमन जैन सहित अनेकों डॉक्टर्स यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। मार्ग पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी चिकित्सकों द्वारा जो हमारे जम्मू और कश्मीर में जवान शहीद हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुष्प चढ़ा करके उनको उनका सम्मान किया गया। उसके बाद मोमबत्ती जलाई और 2 मिनट का मौन उनकी आत्मा की शांति के लिए किया गया और सबने प्रार्थना की कि उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और जो देश का उन्होंने मान बढ़ा है, देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, जो देश की जो सेवा की है, वो पूरे भारतवासी कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये बहुत अच्छा प्रयास है, हम बहुत प्रशंसा करते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स की, कि इस तरह का जो काम समाज के लोग वो जो कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उसमें हम भी अपना कुछ योगदान दे रहे हैं। हम बॉर्डर पर तो नहीं जा सकते, पर हमारी संवेदनाएँ हमेशा उनके परिवारों के साथ हैं और किसी भी ज़रूरत के समय हम सारे भारतीय, हमारे सभी चिकित्सक पूरे सरकार के साथ, सेना के साथ और समाज के साथ। ये जितने भी सैनिक हैं, हमारे देश के सच्चे सपूत हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जिसके कारण हम यहाँ पे अपना जीवन अच्छी तरह यापन कर सकते हैं। ऐसे शहीद, लेकिन अननेसेसरीली जो जिनकी मृत्यु हो रही है, जिन पर अटैक्स हो रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि ये न हो। और हमारी सरकार को भी एक दृढ़ निश्चय के साथ, जो व्यक्ति या जो कंट्री या जो अलगाववादी ताकतें हैं जो ऐसा एक्शन कर रही है, उनके प्रति सख्त रवैया अपनाकर उनको सबक सिखाना चाहिए, जिससे हमारे अननेसेसरीली ये जितने भी सच्चे सपूत हैं, उनकी इस तरह की अकाल मृत्यु न हो। हमारा यही गवर्नमेंट से भी अनुरोध है कि वे इसको प्रायोरिटी पर लें। ये बहुत ही आवश्यक विषय है, इसको टालम टोल न करें। आज ये हमारी जो श्रद्धांजलि है, वह संवेदना प्रकट करना है, वह जितने भी शहीद हुए हैं उनके और उनके परिवार वालों के लिए है। हम चाहते हैं कि उनके परिवार वालों ने अपने पुत्र खोए हैं और ऐसे समय में उनको आवश्यकता है कि उनको संबल मिले, सहारा मिले, उनकी हिम्मत बढ़ाएँ हम। और ऐसे कृत्यों से हमें उनको जो हिम्मत बढ़ेगी, उसे और भी व्यक्ति, और भी सैनिक और बहादुरी के साथ हमारे देश की सेवा कर सकेंगे। इसलिए ये छोटी मोटा हमारा योगदान है श्रद्धांजलि, तो बाकी जो योगदान उनका है वो बहुत ही महान है, प्रशंसनीय है।